हेलो मित्रों, जय माता दी। मित्रों, आप सभी को बता दें कि आने वाला 48 घंटा आप लोगों के जीवन में जो बड़ी घटना होने वाली है सुनकर आप सभी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि अब कटघरे में खड़ा होना पड़ेगा। समय रहते हो जाए सावधान, अन्यथा अगले 48 घंटों में आप सभी का जीवन राजा से रंक की ओर जा सकता है। दोस्तों, इसके पीछे बहुत ही बड़ा षड्यंत्र है जिनके बारे में हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। चाहे आप हमें कितना भी रोकने की कोशिश कर लो, लेकिन दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको वह सच्चाई बताने वाले हैं जिनसे आप अभी तक अनजान हैं। किस प्रकार से लोग आपको खुश होना नहीं देख सकते, किस प्रकार से आप हमेशा दूसरों की गलतियों की सजा भोगते हो, और एक शब्द में कहें तो आपके माथे पर हमेशा दूसरों का इल्ज़ाम थोपने का प्रयास किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, इसलिए हम आपसे विषय निवेदन करेंगे कि सच्चाई बताने में हमारा सहयोग जरूर कीजिएगा और जीवन की कीमती समय को निकालकर इस वीडियो को अंत तक ध्यान से एक बार जरूर देखिए। जी हाँ दोस्तों, यह कोई साधारण बात नहीं है, यह बहुत बड़ी बात है जो मैं आपसे दावे के साथ कह रहा हूँ। और यह बात मैं ऐसे ही दावे में नहीं कह रहा, गहरे शोध और अध्ययन के बाद यह मैंने यह बातें सारी पता लगाई है और वीडियो के रूप में आपके सामने पेश कर रहा हूँ। तो इसके लिए इस विषय पर बात करेंगे, साथ ही माँ भद्रकाली के सच्चे भक्त पूरी भक्ति भाव के साथ माता को याद करते हुए कमेंट बॉक्स में जय माँ दुर्गे अवश्य लिखें। माँ मेरी रक्षा करो, माँ मेरे संकटों को दूर करो, माँ भद्रकाली मेरी रक्षा करो जरूर लिखिएगा और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दीजिएगा। माँ भद्रकाली आपके ऊपर हमेशा कृपा बनाए रखेंगी। और इसी के साथ माँ दुर्गा जिनके भी साथ होती हैं उनका कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। तो दोस्तों, इसलिए जरूर कमेंट कर दीजिएगा। तो आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो में हम बात करते हैं, आपके जीवन में धन क्यों नहीं आ रहा, क्या वजह है, इस बात की क्या वजह है कि आपके धन संपत्ति को किसी ने बांध दिया है, या आपको किसी की पूरी नज़र लग गई है, या फिर आपकी किस्मत ही खराब चल रही है। हम धीरे धीरे हर पॉइंट पर विस्तार से बात करने वाले हैं, हर बात को बहुत गहराई से समझाने वाले हैं, इसलिए वीडियो में अंत तक जुड़े रहिए। दोस्तों, एक खास बात हम आपसे भी कहना चाहेंगे, हम जो भी जानकारी आप सभी के लिए लाते हैं बहुत ही छानबीन करने के बाद, बहुत पता लगाने के बाद लाते हैं, और इस अध्ययन में, इस शोध में बहुत ही मेहनत करना पड़ता है, और इन सभी के लिए हम आपसे कुछ भी नहीं चाहते हैं। ये सारे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल रहा है, परंतु आपसे हम इतना सा निवेदन करते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और जुड़ जाएँ हमारे चैनल के साथ, हमारे फैमिली का हिस्सा बन जाए, बस इतना ही हम आपसे चाहते हैं। इसलिए आप अगर पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत सारे लोग देखते हैं पर वह चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो आपसे अनुरोध है आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, हम काफ़ी समय से देख रहे हैं कि आपकी राशि के जितने भी जातक हैं, स्त्री जातक पुरुष जातक हैं, वह अपने जीवन में बहुत ज़्यादा परेशान हैं, दुखी हैं। बार बार इन लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, कई कष्ट झेलने पड़ रहे हैं, और बहुत से ऐसे जातक हैं जो हमसे लगातार पर्सनली सवाल करते हैं, पर्सनली हमसे बातें बताते हैं कि हमें मेहनत करने के बाद भी सफलता प्राप्त क्यों नहीं हो रही, हमारे पास धन संपत्ति क्यों नहीं आ रहा, या अगर कहीं से धन आता भी है तो वह रुकता क्यों नहीं है, हमारे काम धंधे सब ठप क्यों पड़ रहे हैं, नए काम धंधे जो शुरू होते हैं उनमें भी अच्छे संकेत क्यों नहीं मिलते हैं, नौकरी में बहुत परेशानियां, बहुत समस्याएं क्यों आती हैं, और कम उम्र के जातक को भी नौकरी नहीं लग पा रही है, बेरोजगारी बहुत परेशान कर रहा है, पारिवारिक माहौल भी अच्छा नहीं चल रहा, परिवार में बहुत अधिक नकारात्मकता, लड़ाई झगड़े, दोषारोपण क्यों हो रहा है,
और यहाँ तक कि लव लाइफ भी बिल्कुल बर्बाद सी हो गई है। क्या इसका कारण है, क्यों इतनी परेशानी हो रखी है? इन सभी प्रकार के सवालों के जवाब इस राशि के जातक हमेशा ढूंढते हैं और हमें हमेशा प्रश्न करते हैं। और आप भी इसी तरीके के सवालों से बहुत परेशान हैं, मुझे पता है। इन सवालों के सही सटीक जवाब अब तक आपको प्राप्त भी नहीं हो पाए हैं तो हम आपसे कहेंगे कि वीडियो को पूरा देखना है, आपको आज हर समस्या का समाधान प्राप्त होने जा रहा है। आपका जीवन आपके अनुकूल हो जाएगा, सुंदर हो जाएगा। सबसे पहले हम आपको बता दें कि आपकी जो ग्रह स्थिति है वो काफ़ी अच्छी चल रही है, काफ़ी कुशल मंगल है, यानी ग्रहों की स्थितियों की वजह से आपको कोई परेशानी नहीं आ रही है। जी हाँ दोस्तों, आपको आश्चर्य होगा और यह अवश्य ही आपके लिए चौंकाने वाली बात होगी, लेकिन तब भी हम आपसे कह रहे हैं कि ग्रहों की ओर से आपको कोई परेशानी नहीं है। फिर आपके मन में यह सवाल जरूर उठ रहा होगा कि फिर आखिर कौन सी वजह है, जब ग्रह नहीं है तो कौन आपको परेशान कर रहा है, क्यों आपके जीवन में इतनी संकट आ रही है? तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि हमारे जीवन में जो संकट आते हैं वह न केवल ग्रह दोष से होता है, बल्कि इसके और भी कई सारे कारण होते हैं। कुछ हमारे द्वारा की गई गलतियों की वजह से हमारे ऊपर संकट आते हैं, तो कुछ हमारे ईश्वर तय करते हैं जो हमारे पिछले जन्मों के प्रारंभ पर आधारित होता है, और हम गलतियां स्वयं करते हैं तो हमारे इस जन्म में आने वाली सुख सुविधाएं और अच्छे समय को रोक देती है। लेकिन दोस्तों, आपका आने वाला समय बेहद चमत्कारी है, बेहद ही खुशियों से भरा है, इस बात का हम आपसे वादा कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आपकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी, आपकी दुनिया पूरी तरीके से खुशियों से भर जाएगी। जी हाँ दोस्तों, पर अब बात करते हैं कि वह कौन सी गलती है जिसकी वजह से इस राशि के जातकों को लगातार मुसीबतों का सामना करना पड़ता है और संकट कटते ही नहीं हैं, और ऐसी कौन सी आदत है, गलतियाँ हैं जिनकी वजह से बार बार आपको घाटा मिल रहा है, लाभ होने की जगह हानि हो रही है, धन प्राप्ति की जगह धन की हानि हो रही है, धन लाभ धन प्राप्ति हो ही नहीं पा रहा, लोग हमेशा आपको धोखा दे रहे हैं, बार बार आपका पैसा कहीं ना कहीं अटक जाता है, फंस जाता है, काम धंधा भी ठीक से नहीं चल पाता है। और कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि लोग आपको अक्सर धोखा दे देते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम जानते हैं कि धोखा खाने के बाद लोगों को कैसा महसूस होता है, कैसा लगता है। उस पर भी यदि कोई अपना हितेशी जानने वाला, जिस पे कि हम बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं, वही अगर धोखा दे जाए तो और भी ज़्यादा बुरा लगता है, मन में एक घाव सा हो जाता है। कोई पराया अगर धोखाबाजी करे तो हम सहन भी कर लेते हैं कि चलो उसकी रवैया उसका व्यवहार ही यही, लेकिन यदि कोई अपना धोखा दे दे तो फिर कैसी बात होगी, वह सहन करने के योग्य भी नहीं होता। तो दोस्तों, इसके लिए अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि वह कौन सी गलती है जो आप हमेशा दोहराते रहते हैं। तो सबसे पहली गलती हम आपको बताने जा रहे हैं, अगर आपके पास कागज और कलम है तो आप इसे लिख लें, और नहीं है तो आप सुन लें, बार बार इस वीडियो को देखते रहें, ठीक है। सबसे पहली गलती आपकी यह है कि आप अपने आसपास अपने घर परिवार में एक नकारात्मक वातावरण बनाकर रखते हैं, और हमेशा एक सकारात्मक वातावरण हमेशा नकारात्मक चीज़ों को आकर्षित करती है, इसलिए आप परेशानियों से घिरे रहते हैं। यह नकारात्मक वातावरण इसलिए तैयार होता है क्योंकि आपके अंदर क्रोध बहुत अधिक है। जी हाँ दोस्तों, आप क्रोध बहुत अधिक करते हो, आप अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाते हो, यहाँ तक कि आपके अंदर अहंकार की भावना भी पाई जाती है, जो आपके लिए बहुत खतरनाक है, आपके लिए एक नकारात्मक वातावरण तैयार कर देती है। यह आपकी बहुत बड़ी गलती है। दोस्तों, हम जानते हैं आप लोगों के जीवन में थोड़ा सा कठिन समय अभी चल रहा है और आप जोर ज़्यादा तर समय
अपने कार्य क्षेत्र पर ही बिताते हैं, दिन भर अपने कामों में व्यस्त रहते हैं और अपने लिए भी समय नहीं निकाल पाते हैं, सुखों और खुशियों का आनंद का अनुभव ही नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से धीरे 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 आपके अंदर एक खिन्नस भावना क्रोध का रूप ले लेती है और यह क्रोध आपके अपनों पर ही निकलता है। यानी कि जिन लोगों पर आपको गुस्सा आना चाहिए उन पर आपका क्रोध न निकलकर यह ऐसी जगह निकलता है जहां इसे नहीं निकलना चाहिए, यानी कि आपके अपनों पर, आपके घर में आपके भाई बहनों फिर या माता पिता या फिर अपने जीवन साथी पर ही आप क्रोध करने लगते हैं। और यही कारण बनता है जब आपके घर के लोग ही आपसे दूर होने लगते हैं, भागने लगते हैं, आपसे झूठ बोलते हैं, आपसे बचने की कोशिश करते हैं, जिससे आपके घर में एक नकारात्मक वातावरण तैयार हो जाता है और यह वातावरण ही आपको आपकी सफलता प्राप्त करने से रोकता है। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों हम आपको सलाह देंगे कि आपको अपने घर में किसी पर भी क्रोध नहीं करना है, शांतिपूर्ण खुशियों भरा माहौल बनाकर रखिए। आप ऐसा कर पाने में सक्षम रहते हैं तो यकीन जानिए कि आपके जीवन में खुशियों की शुरुआत हो जाएगी, आपकी सौभाग्य की शुरुआत हो जाएगी। जी हाँ, हमें तो अक्सर आपको बताया है और आप भी बता रहे हैं कि आपको सुबह भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य देना है और चांदी की एक अंगूठी धारण करनी है अगर संभव हो तो, जिससे आपका चंद्र प्रबल होगा और आपका क्रोध शांत होगा। और रात्रि को सोते समय आपको क्या करना है, एक सिराहने पर एक लोटा जल भरकर अवश्य रखें, जिससे आपका मंगल भी शांत होगा और आपका बौद्धिक संतुलन भी बना रहेगा। इससे आपके घर परिवार में सुख और शांति का माहौल निर्मित होगा और आपके आसपास एक सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण होगा। दोस्तों यकीन मानिए कि छोटी छोटी बातों से ही आपके जीवन में इतने बड़े बदलाव आएंगे, किसी चमत्कार से यह कम नहीं होगा, आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। हम जानते हैं कि आपके जीवन में बहुत कष्ट चल रहा है, आप मानसिक और शारीरिक दोनों ही स्थितियों में बुरी तरह से फंसे पड़े हैं और बहुत ही परेशानियों से ग्रसित हैं, लोग आपको बहुत परेशान करते हैं, लेकिन इन सब बातों के बावजूद भी आपको ही जिम्मेदारियां उठानी होंगी और अपने घर के और अपने जीवन के संपूर्ण वातावरण को बदल कर रखना होगा। अपने माँ के दुखों को, अपने माँ के कष्टों को कभी किसी को बताना नहीं चाहिए, इसे किसी के सामने जाहिर नहीं करनी चाहिए। जब भी आप अपने घर में प्रवेश करें तो मुस्कुराते हुए प्रवेश करें, घर के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करें, उनसे प्रेमपूर्ण बातें में करें, लोग आपके नज़दीक आएंगे, आपको तरह तरह की खुश करने की कोशिश करेंगे, आप जो हैं उनकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाते हैं, फिर लोग आपसे कुछ कार्य करवाने के लिए कहते हैं तो आप तुरंत ही बिना सोचे समझे तैयार हो जाते हैं, ऐसी स्थिति में आपका शोषण होता है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि आप जो हैं लोगों के बातों में आ जाते हैं और बिना सोचे समझे ही उनके कार्य करने लग जाते हैं और ऐसी स्थिति में आपका शोषण हो जाता है और लोग आपका दुरुपयोग कर लेते हैं। यकीन मानिए कि इसमें बाहर के लोग कम और आपके अपने ही लोग ज़्यादा शामिल होते हैं, आपके अपने ही लोग आपको मूर्ख बनाते हैं, आपकी भावनाओं का लाभ उठाते हैं और आपका शोषण करते हैं, आपसे केवल इसलिए जुड़ते हैं क्योंकि आपके जेब में रुपया होता है, जब आपका रुपया पैसा समाप्त तो हो जाता है तो आप कंगाल हो जाते हैं, तो आपसे अपने ही आपके दूरी बना लेते हैं और आप देखते ही रह जाते हैं, आपको इतना बड़ा झटका लगता है कि आप सोच भी नहीं सकते और आप अंदर से टूट जाते हैं, आपका दिल टूट जाता है। यहाँ तक कि कभी कभी यह भी देखा गया है कि जब आपका बुरा समय आता है तो आप कंगाल हो जाते हैं, तो आपका प्रेमी, आपका हमदर्द, आपका जीवन साथी भी आपका साथ छोड़कर चला जाता है। यह भी आपके लिए बहुत बुरा समय होता है, लेकिन रिश्ते नातों के मामलों में आपके जीवन में उथल पुथल हमेशा मची रहती है, आपने जो सोचा
नहीं हुआ। वह अनुभव आपको रिश्तों में हमेशा एहसास में मिलता रहता है। और इसमें आश्चर्य की बात तो यह है कि आपसे आपके अपने धोखा देने के बाद भी हमेशा यही आरोप लगाते हैं कि आप रिश्तों को निभाना नहीं जानते हैं। आपको गुस्सा बहुत आता है, आप अपने क्रोध पर काबू नहीं कर पाए, जिसकी वजह से आपके साथ कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आप अपने प्रेमी प्रेमिका जो है उनसे भी आप झपट पड़ते हैं और दोषारोपण करने लगते हैं। और आपको बताना चाहेंगे कि आप जो हैं बहुत तकलीफ में हो जाते हैं और आप लोगों के जीवन की क्रोध ही ऐसा वजह है जिससे ये सारी परेशानियां खड़ी होती हैं। लेकिन आप जो है इन सभी क्रियाओं को अपना हक समझकर करते हैं, परंतु दूसरे आप पर आरोप लगा देते हैं, आपसे दूरी बना लेते हैं। दोस्तों, हम जानते हैं आप बेहद ही नर्म दिल के इंसान हैं, आप किसी को तकलीफ में देख नहीं सकते। जब भी आप किसी को तकलीफ में दुख में देखते हैं तो आप तुरंत इसको मदद करने के लिए खड़े हो जाते हैं, चाहे वह इंसान आपका अपना हो या फिर आपका पराया। दोस्तों, मैं जो बातें बता रहा हूँ उसे आप गौर से सुनिएगा और अपने अंदर महसूस करिएगा कि कहीं ना कहीं यह आपके जीवन में हो रहा है। ठीक है, आप दूसरों की मदद करते हैं, सबकी मदद करते हैं अपनी इच्छा अपनी क्षमता अनुसार, कभी कभी तो आप अपनी क्षमताओं से भी ज़्यादा करते हैं। यदि आपका अपना कोई आपसे मदद मांगे तो आप आधी रात को भी उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन ऐसा देखा गया है जब आपका समय बुरा आता है और आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप यदि लोगों से मदद लेने की कोशिश करते हैं, रुपए पैसे मांगते हैं, उधार मांगते हैं, तो आपको कोई भी मदद नहीं करता है, ना ही किसी प्रकार से आपकी धन संपत्ति की ओर से मदद की जाती है। यहाँ तक कि ऐसा भी देखा गया है कि कई बार होता है ऐसा, ठीक है ना, एक बार नहीं कई बार होता है कि आपको अपना ही आपके साथ छल कपट करता है और आपके अपने होने का दिखावा करता है और आपके जीवन में सिर्फ और सिर्फ आपके स्वार्थ से जुड़ा होता है और आपसे अपने अपने आप दूर हो जाते हैं, आपको अनाप शनाप बोलते रहते हैं, आपके जीवन में आरोप प्रत्यारोप चलता ही रहता है। आप उनसे क्या मदद मांगोगे, वही आपसे मदद मांगते हैं और जब नहीं मदद करने पर वही आपको आँख दिखाने लगते हैं। इससे आपके रिश्ते और ख़राब हो जाते हैं, इस बात से आप बहुत दुखी रहते हैं, आपका मन खराब हो जाता है। आपके सबसे बड़े दुखों में से एक दुख यह भी है कि आपके रिश्ते सिर्फ आपके स्वार्थ देखते हैं, अपना मतलब सीधा करके आपसे दूर हो जाते हैं। दोस्तों, अब आपको अपने मन को थोड़ा कठोर करना होगा और इस बात का पता लगाना होगा कि कौन से ऐसे लोग हैं जो आपके अपने हैं और कौन से ऐसे लोग हैं जो आपके अपने होने का दिखावा करते हैं। जी हाँ, अपने होने का दिखावा, ये भी आपको देखना होगा। दोस्तों, यह बात तो आपको पता ही लगानी होगी, क्योंकि यह कोई और आपको किसी भी कीमत पर बता नहीं सकता, किसी भी हालत में पता नहीं लगा सकता, यह आपकी अपने अनुभवों पर आधारित होगा। यदि आपका किसी व्यक्ति के साथ किसी रिश्ते में अच्छा अनुभव है तो वह आपका अच्छा रिश्तेदार, वह आपका अपना है और सबसे बड़ी पहचान यही होती है दोस्तों कि जो हमारे बुरे समय में साथ देता है वही हमारा अपना होता है। इस दुनिया में रिश्ते नाते जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, जहाँ हमारा सगा रिश्तेदार हमें धोखा दे जाता है वही कोई पराया छोड़कर हमारी मदद कर जाता है, तो आपका वह पराया ही अपना हुआ और वह रिश्तेदार आपका दुश्मन हुआ। इस बात को जो है आपको याद रखना है। और एक चीज़ आपको और याद रखनी है, एक बार जिस इंसान ने आपको धोखा दे दिया उसे आपको हमेशा के लिए दूरी बनाए रखनी होगी। जी हाँ, मैं जो कह रहा हूँ उसे सावधान होकर सुनिए, क्योंकि एक बार जो आपको पूरे समय में धोखा दे चुका है वह दोबारा भी आपका बुरा समय आने पर फिर से वैसा ही बर्ताव करेगा, आपको धोखा देगा। तो दोबारा दुखी होने से बेहतर है कि आप उस इंसान को पहचानिए और उनसे दूरी बना लीजिए। हाँ दोस्तों,
तो आगे वीडियो में हम आपके प्रेमी जीवन के बारे में बात करेंगे और नौकरी के बारे में भी बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, हम बात करेंगे कि कैसे आप अपने सच्चे प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं, और यदि आपके प्रेम जीवन में किसी प्रकार की समस्या चल रही है तो उसे समस्या को कैसे आप दूर कर सकते हैं। यदि आपकी नौकरी अच्छी नहीं चल रही है या फिर आपकी नौकरी नहीं लग रही है तो आपको कैसे मिलेगी और फिर से टूट जाता है, तो इसके पीछे का रीज़न क्या है हम आपको बताएंगे, उपाय भी बताएंगे, तो आप वीडियो को देखिएगा अंत तक, ठीक है। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, आपका समय ज़रूर लूँगा, लेकिन आप देखिएगा, ठीक है। यदि आपकी नौकरी अच्छी नहीं चल रही है और या फिर नौकरी ही नहीं लग रही है, मिल ही नहीं रही है, और फिर से टूट जाते हैं, यानी आप अंदर से सब्र नहीं रखते हैं, आपकी बहुत बड़ी गलती है। इस वजह से आप बिना सोचे समझे जल्दबाजी में बहुत सारे कार्य से कर जाते हैं, जिनका हार जाना आपको बाद में बहुत पछताना पड़ता है। आप बहुत परेशान हो जाते हैं। आप अपने जीवन में बहुत से ऐसे कार्य किए होंगे जिनमें आप सब्र से काम लेते हो तो आज आप कहीं और ही होते। जी हाँ दोस्तों, आप विचार करके देखिए कि आपको सब्र का साथ देना आप लोगों के जीवन में कितने महत्वपूर्ण है। आपकी राशि में एक अजीब सी बात पाई जाती है कि कुछ लोगों में इतना अधिक सब्र होता है कि वह उन चीज़ों को भी मिस कर जाते हैं जो उन्हें प्राप्त होने वाली हैं। यानी कहने का मतलब है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इतना अधिक सोच विचार करते हैं कि उनका अच्छा समय आकर भी चला जाता है, कोई भी बड़ा मौका उनके सामने से गुजर जाता है, उसका लाभ भी नहीं ले पाते हैं। दोनों प्रकार के गुण आपकी राशि में पाई जाती हैं। या तो आपके अंदर सब्र बहुत कम है या फिर आपके अंदर सब्र रखकर कुछ ज़्यादा ही है, दोनों ही स्थितियाँ खराब हैं। इस स्थिति में आप जल्दबाजी में कार्य कर जाते हैं और दूसरी स्थिति में आप सोच विचार करते ही रह जाते हैं, यानी मौके का लाभ सही से उठा ही नहीं पाते हैं। तो दोस्तों कमेंट करके बताइएगा कि आप ज़रूर बताएगा कि आप किस तरीके के इंसान हैं, कि आप जल्दबाजी में फैसले लेते हैं या फिर आप ज़्यादा ही सोच विचार करते हैं, किस प्रकार के इंसान आप हैं कमेंट करके अवश्य बताइए। और ऐसा देखा गया है कि इस राशि के जातक जब भी कोई नया काम शुरू करते हैं तो उन्हें सफलता पाने में कुछ ज़्यादा ही ललक होती है, और इस ललक के चलते वह जल्दी जल्दी सभी काम को निपटाना चाहते हैं, फैसले लेते हैं और कारोबार में जल्दी से जल्दी ऊंचाई ऊपर तक जाना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों आपको समझना होगा कि कोई भी बड़ा काम इतनी जल्दी नहीं हो सकता, हर चीज़ को अच्छी तरीके से होने में समय लगता है, इनको भी फलदार पेड़ बनने में समय लगता है। एक छोटा सा पेड़ जब बड़ा बनता है तभी वह फल देता है। यदि छोटे छोटे पौधे को भी कितना भी आप सींच दो, कितना भी पानी दे दो, वह फल नहीं देगा, उसमें समय लगेगा। तो सब्र एक सही समय पर सही मात्रा में किया गया सब्र ही आपको सफलता प्रदान करता है, जिससे हमें भी सही फैसले लेने का अवसर प्राप्त होता है, और बुद्धिमानी से लिए गए फैसले धीरे धीरे हमें सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ाते हैं। इसलिए दोस्तों आपसे निवेदन करूंगा कि आप जो भी व्यापार करें, जो भी काम करें, उसमें थोड़ा सा समय दें और सब्र के साथ काम करें। बताने को बहुत कुछ है, बताते बताते वीडियो इतनी लंबी हो जाएगी कि आप देखते रह जाओगे। मैं जो भी बता रहा हूँ, एक सीरीज चला रहा हूँ अपने चैनल पर, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हम जो भी वीडियो बनाएं वो आप तक पहुँच जाए। और इसी के साथ मैं आपको कुछ उपाय बता देता हूँ, ठीक है। अब इतना ही रखता हूँ, अब मैं अगली वीडियो में आपकी और भी कई सारी बातों को बताऊंगा, तो नेक्स्ट पार्ट टू को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें मैं कुछ उपाय बता देता हूँ, ठीक है, उपाय को आप कर लीजिएगा। अगर नौकरी नहीं लग रही है, नौकरी में कोई परेशानी चल रही है या व्यापार में कोई परेशानी चल रही है, वैवाहिक जीवन में कोई परेशानी चल रही है, शादी नहीं हो पा रही है या प्रेम जीवन में कष्ट हो रहे हैं, वैसे में आपको क्या करना है वह सुनिए। मित्रों
हमारे रोजगार धन संपत्ति से जुड़ा ग्रह शुक्र है और यदि हमारे जीवन में शुक्र नीच का रहेगा या फिर शक्तिहीन रहेगा तो ये हमें उतनी धन संपत्ति या उतना धन नहीं दे सकता है। यह हमें हमेशा धन संपत्ति और रोजगार से संबंधित परेशानियां पीड़ित करती रहेंगी। तो आपको करना क्या है कि आपको शुक्र से संबंधित उपाय करने होंगे। इसके लिए आपको शुक्रवार को व्रत रखना प्रारंभ करना होगा। शुक्रवार के दिन सफ़ेद चीज़ों का दान करना होगा। छोटी कन्याओं को जिनकी उम्र 9 साल से कम हो ऐसी 5 कन्याएं या 11 कन्याओं को मीठी खीर खिलानी होंगी और उन्हें कुछ सफ़ेद चीज़ें सफ़ेद वस्तुएं दान करनी होंगी, जैसे कोई सफ़ेद रुमाल, सफ़ेद वस्त्र, ये सब दान करने होंगे। बस इतना करने मात्र से आपका शुक्र मजबूत हो जाएगा और यदि आप उनको समय मिले तो शाम के समय मछलियों को भी दाना चुना दें, मतलब आप दाना जो है वो डाल दें मछलियों को। ऐसा करने से आपका जो है शुक्र मजबूत हो जाएगा और आपके सभी काम बनने लगेंगे। तो ऐसे में अगर आपके जीवन की सभी प्रकार की परेशानियों से छुटकारा भी आपको मिलने लगेगा और यह बहुत ही शक्तिशाली उपाय है। सरल है लेकिन बहुत शक्तिशाली है। इन उपायों के जरिए आपके जीवन की सभी समस्याओं को आप दूर कर सकते हैं। तो हमने आपको वीडियो में सब कुछ विस्तार से समझाया है। यदि आपने वीडियो को पूरा देखा है तो आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा कि आपके जीवन में क्या चल रहा है, आपको परेशानी क्यों आ रही है। और यदि आपको जानकारी पसंद आई और नेक्स्ट पार्ट को देखना चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिएगा, जिसमें कि मैं आपके जीवन की और गहरी शोध करूंगा और अलग अलग विषयों पर आपको बताऊंगा। तो नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट कीजिएगा, पार्ट टू कमेंट करिएगा। और यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कौन सी आपकी आदत अच्छी है, कौन सी बुरी, ये भी आप ज़रूर बताइएगा। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा के साथ जय माँ दुर्गा पूरे भक्ति भाव के साथ लिखिएगा। इसी के साथ माँ दुर्गा आपकी रक्षा करें, माँ आपके सभी कष्ट को दूर करें और आपके जीवन में सुख समृद्धि, सुख शांति, सुख ऐश्वर्य और सफलता के नए ऊंचाई के चरम को हासिल करने में माँ आपकी सहायता करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलकारी हो। जय माँ बिंदुवासिनी।